नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आकाश। तो आज हम बात करने वाले हैं कि आप अपने फेसबुक अकाउंट में टू स्टेप वेरिफिकेशन कैसे अलाउ कर सकते हैं। तो जानते न करते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको अपना फेसबुक अकाउंट लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपको अपने फेसबुक अकाउंट की सेटिंग में जाना है। फेसबुक अकाउंट की सेटिंग में जाने के बाद आपको यहाँ पे एक सिक्योरिटी एंड लॉगिन का टैब मिलेगा। आपको उस टैब पे टैप करना है। टैप करने के बाद आप जब स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपको एक टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन लिखा दिखाई देगा। तो आपको सिंपली उसको एडिट करना है और एडिट करने के बाद गेट स्टार्टेड। गेट स्टार्ट के बाद आपसे पूछेगा कि आप अपना टू स्टेप वेरिफिकेशन कैसे लगाना चाहते हैं, टेक्स्ट मैसेज या ऑथेंटिकेशन ऐप। आपको टेक्स्ट मैसेज सेलेक्ट करना है और नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद आपको अपना नंबर ऐड करना पड़ेगा। नंबर ऐड करने के बाद आपसे 6 डिजिट का कोड मांगेगा, वो आपके फ़ोन पे जाएगा। आपको 6 डिजिट का कोड एंटर करना पड़ेगा। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने अपना कोड एंटर कर लिया है, तो आपको नेक्स्ट और यहाँ पे फिनिश पे टैप कर देना है। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हो टू ऑथेंटिकेशन अलाउ हो चुका है। तो आपको यहाँ पे नीचे स्लाइड करना है। तो यहाँ पे रिकवरी कोड्स का ऑप्शन मिलेगा। रिकवरी कोड्स आपको आपके इसलिए काम आते हैं, जब भी आप अपने फेसबुक अकाउंट लॉगिन करते हैं और आपके फ़ोन पे टू स्टेप वेरिफिकेशन का पासवर्ड नहीं आ पाता, तो आप इन रिकवरी कोड्स के ज़रिए अपनी आईडी को लॉगिन कर सकते हैं। ये 10 कोड रहते हैं और ये एक हर कोड एक बार ही यूज़ होता है, और 10 बार यूज़ करने के बाद आप यहाँ से इसको जनरेट न्यू कोड्स कर सकते हैं। यहाँ से आप गेट न्यू कोड्स पे टैप करके जब कोड यूज़ हो जाए तो न्यू कोड जनरेट कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल।